पूर्व आईएएस प्रवीण कुमार जी, बहुत स्वागत है सर आपका। आप तमाम लोगों को नौकरी देते हैं, लाखों लोगों को नौकरी देते हैं। एक नई परीक्षा आपने शुरू की है, पेट पी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, और आपने अवसर दिया है कि मैं अपनी बात आपके माध्यम से जो हमारे प्रदेश के जो युवा हैं उन तक पहुंचा सकूं। तो नौकरी तो ये सारी सरकारी नौकरियां हैं, सरकार नौकरी देती है, हम लोग उसका माध्यम है। तो जो ग्रुप सी की जो इतनी पोस्ट हैं, जो हमारे जो समूगा कहलाता है, क्लास थ्री की पोस्ट कहलाती हैं, तो सरकारी विभागों में जो समूगा की पोस्टिंग्स होती हैं उनके लिए हमारी जो आयोग है उसके माध्यम से चयन किया जाता है। तो ये एक बहुत दिनों से समस्या चली आ रही थी कि बहुत बड़ी संख्या में सरकारी विभागों में पद खाली चले आ रहे थे और जो भर्ती में जो तेजी से भर्ती होनी चाहिए थी उसमें दिक्कतें आ रही थी। और दिक्कतें आने के कारण भी थे कि सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पे आप जानते हैं यूपी जो उत्तर प्रदेश जो है इतना बड़ा प्रदेश है और अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का ये पांचवां सबसे बड़ा देश होगा। और इतने जहाँ पे हर चीज़ कोई हमारे यहाँ हजारों में सैकड़ों में नहीं होती, हर चीज़ लाखों और करोड़ों में ही होती है, तो वही बात इसके साथ भी है। तो हमारे यहाँ जब भी कोई पोस्ट निकलती थी, मान लीजिए हमारे 100 200 300 पद भी हैं, तो उसके लिए भी आवेदकों की संख्या लाखों में हो जाती थी। और इतना बड़ा एग्जाम कराना एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज होती है, बहुत बड़ा, उसमें सिर्फ लॉजिस्टिक्स लगते हैं और सारा सारा उसमें लाखों बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, दूर दराज से आते हैं। तो इस तरह का इतना बड़ा एग्जाम एक साल में 3-4 एग्जाम से ज्यादा करा पाना संभव नहीं होता था। और उसमें मान लीजिए हमने 12 लाख 14 लाख बच्चों का एग्जाम कराया, उससे 300-400 पोस्टें भरी जानी हैं। तो अगर वो सफल हो गया, बीच में रास्ते में कहीं स्टे नहीं हुआ, कहीं कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई कोर्ट वर्ट की कोई ऑर्डर नहीं आए, तो करा भी ले गए, तो मतलब बहुत प्रयास तो बहुत किया गया, 14 लाख बच्चों का एग्जाम किया, लेकिन उसके नौकरियां मिली केवल 200-300-400 ही। और साल भर में हम लोग कितना भी प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी भी कराने की कोशिश करेंगे, तो भी बहुत बड़ी संख्या में रोजगार देना संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए इसमें हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा और शासन ने उसका अनुमोदन दिया कि इसमें हम लोग द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली हम लोगों ने लागू की है। द्विस्तरीय का मतलब यह है कि पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जैसे आईएएस और आईपीएस में होगा, हाँ उसी तरह है, लेकिन उसमें थोड़ा एक भिन्नता है। भिन्नता यह है कि वहां पे हर एग्जाम के लिए अलग प्रीलिम्स और अलग मेन होता है, मतलब जितने भी उनके इंजीनियरिंग सर्विसेज है तो उसका अलग मेन प्रीलिम्स और मेन होगा, अगर उनका आईएएस का सिविल सर्विस का है तो उसका अलग प्रीलिम्स अलग मेन होगा। हमारे यहाँ चूंकि हम लोग एक ही संवर्ग मतलब एक ही तरह समूह के ही समूह की सारी पोस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो हमने एक व्यवस्था ये करी है कि प्रीलिम्स हमारा कॉमन है, तो जितने भी लोग जो मतलब सारी सर्विसेज का मिलाकर के एक प्रीलिम्स एक कॉमन प्रीलिम्स है, और जिसमें के जो भी जो हमारी परिध में आने वाले जितने परिध में हमारे आयोग की परिध में आने वाले जितने भी पद हैं उन पे जो भी चयन के पद के लिए जो इच्छुक हैं तो वो सबके सब वो ये एग्जाम देंगे। फिर वो चाहे लेखपाल हो या लिपिक हो, कोई किसी प्रकार के पद सभी पदों के लिए लागू है, शासन ने ये व्यवस्था दी है और ये हमारा प्रस्ताव भी था। और उसमें उसमें हम लोग इसके बेसिस पे केवल स्कोर मिलेगा, इसको अगर इसकी तुलना की जाए, उदाहरण लिया जैसे जीआरई का एग्जाम होता है, जीआरई के एग्जाम में केवल आपको स्कोर मिलता है, जीआरई के एग्जाम के आधार पर आप किसी यूनिवर्सिटी में सीधे एडमिशन नहीं पाते हैं, आप स्कोर के आधार पर एलिजिबल हो जाते हैं, आप स्कोर के आधार पर अप्लाई करते हैं, वो अपनी हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाती है, ऊपर से बच्चे हैं उनमें से उनको साक्षात करके लिए बुलाती है या उनके आगे अगले चरण में जाती है उसमें सेलेक्ट कर लेती है। तो यहाँ पे भी यही है कि हमारा प्रीलिम्स जो है, हमारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो है, ये कॉमन है सबके लिए और इसमें हर बच्चे को एक स्कोर दिया जाएगा उसके जो जैसी भी उसकी परफॉर्मेंस है उसके आधार पर। और फिर जब भी हम आगे जो भी पद निकालेंगे, जिस भी हमारे विज्ञापन निकलेंगे उसके लिए विज्ञापन निकालेंगे, उसके लिए केवल हम मुख्य परीक्षा कराएंगे और मुख्य परीक्षा में केवल हम जो प्रीलिम्स के स्कोर के आधार पर ही अभ्यर्थियों को बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो जितने भी पद हैं, जैसे हमें मतलब हमारे मान लीजिए 8000 पद हैं, जैसे बात हो रही थी लेखपाल के लगभग 7800 लगभग 8000 पद हैं, तो 8000 बच्चों के लिए हम जरूरी नहीं है कि हम 25 लाख बच्चों का एग्जाम कराएं, वो भी हम अभी 20 लाख बच्चों का एग्जाम 21 लाख बच्चों का एग्जाम करा ही रहे हैं, तो उस समय मेन हम केवल 1,20,000 लोगों का करेंगे। मतलब ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा ये शॉर्टलिस्टिंग है, तो ये कि हर बार जब आप वैकेंसी निकालते हैं है कि हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, तो एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके आधार पर हमारा नंबर सीमित हो जाएगा। तो अब ये है, आप मुझे लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि चिंता ये है कि बड़ा एग्जाम जो इतना बड़ा एग्जाम होता है जिसमें इतनी मेहनती व्यवस्था सब कुछ होती है, 3-4 महीने की तैयारी होती है, सब कुछ होता है, तो ये साल में एक कराएंगे और इसके आधार पर जो मेन एग्जाम है वो छोटे एग्जाम होंगे, 50,000 लोगों का, 1 लाख लोगों का, 1.5 लाख लोगों का, वो हमारे लिए आसान है मैनेज करना, तो
तो वो हम हर 15 दिन में, एक महीने में दो दो एग्जाम भी करा सकते हैं, तो एकदम स्पीड अप हो जाएगी। आप ये समझिए कि पिछले 4 साल के अंदर हमारे आयोग के माध्यम से लगभग 18,000 से ऊपर नौकरियां दी जा चुकी हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है, प्रयास ये है कि हमारा जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हम कराएंगे, उसके बाद जो मेन परीक्षा हम जल्दी जल्दी कराएंगे, तो हम हो सकता है करीब 25,000 नौकरियां अगले 3-4 महीने में दे दें, क्योंकि प्रीलिम के बेसिस पे हमारे फिर अगले एग्जाम हमारे छोटे एग्जाम होंगे। छोटे एग्जाम हम एक महीने में दो या एक महीने में एक एग्जाम तो करा ही लेंगे। तो हमारी कोशिश यह है कि अगर पिछले 4 साल में जहां 18,000 करीब नौकरियां दी गई हैं, अगले 4 महीने के अंदर, 4-5 महीने के अंदर हम लोग करीब जो है 25,000 से 30,000 नौकरियां और युवाओं को दे पाएंगे, तो पूरा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि जो हमने प्रक्रिया अपनाई है, लगभग इसी लाइन पे, इसी तर्ज पे चिंतन भारत सरकार में भी हो रहा था। तो DOPT में भी यही बात प्रस्ताव स्तर का चल रहा था, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 अगस्त को, लास्ट ईयर, अभी तो 1 साल होने जा रहा है, 19 अगस्त को उन्होंने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन का निर्णय घोषित किया था। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से वो भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। वो अपने फर्क केवल इतना है, वो भारत सरकार उसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर रहा है, जो कि पूरे भारत सरकार के, पूरे भारत के लिए होगा। हम लोग प्रदेश तक सीमित है, हमने इसका नाम PET दिया, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। और हम लोगों ने यह भी, शासन ने निर्णय लिया है कि अभी तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन का कार्रवाई चल रही है, उनको हो सकता है एग्जाम कराने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन कालांतर में जब उनकी व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी तो इस बारे में विचार हम कर सकते हैं कि दोनों एग्जाम, दो दो एग्जाम अलग अलग ना कराएं, उनका CET भी हो, अपना PET भी हो। हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हमें बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक मानक, एक मापदंड मिल जाए। इसके पीछे का लॉजिक क्या सर, कि जो लाखों करोड़ों की तादाद में एप्लीकेंट आ जाते थे बार बार, उनको शॉर्टलिस्ट करके रख लेते? हाँ, मतलब उनको सबका हमने एक यूनिफॉर्म, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया है, हमारा जिसको प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हम कह रहे हैं, वो हमने कर लिया। अब जो भी हमारी वैकेंसी निकलेगी, हम उसके लिए आवेदन मांगेंगे, जो आवेदन आएंगे उसमें अपनी जरूरत के मुताबिक जितने पद हैं उसके 15 गुना, नहीं जितने पद हैं हमारे, जितने पद हैं उसके 15 गुना हम ऊपर से छांट लेंगे। अच्छा, आप जिन्होंने PET क्वालिफाई किया है, आप उसमें से जो PET में अपियर हुए हैं, क्वालिफाई करने वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें हर एक आदमी को स्कोर मिलेगा, किसी का होता है 80% आए, किसी का 85 आए, किसी का 90 आए, किसी का 94 आए, तो वो तो एक स्कोर है, लेकिन स्कोर के आधार पर वो लोग अप्लाई करेंगे अलग अलग पदों के लिए। और जो हमारे किसी भी हमने पद के लिए, जिसके पद के लिए विज्ञापन निकाला है, तो उसके लिए जो भाई अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो उसके लिए अप्लाई करेंगे, और जितने भी अप्लाई करेंगे उनका स्कोर हमारे पास पहले से मौजूद है, तो उस स्कोर के आधार पर उन ऊपर से शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद जितने गुने हमें चाहिए, मान ली एक पद के लिए 15 लोग हम बुलाते हैं, मानक हमारा 1 से 15 का है, एक्चुअली वो लास्ट कट ऑफ हम लोग लेते हैं, तो 15 का 17, 18, 20 गुना हो जाता है वो कई बार, तो लगभग 15 गुना हम जो है, 15 गुना या उससे अधिक हम बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनके लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन करा देंगे।